नेता प्रतिपक्ष को लेकर उड्डा और शैलजा गुट आमने सामने। नेता प्रतिपक्ष चुनने से पहले उड्डा ने दिखाई ताकत, 31 विधायकों के साथ ली मीटिंग। वहीं शैलजा गुट का एक और विधायक उड्डा गुट में शामिल, और उसके साथ साथ अब कहीं ना कहीं उड्डा ने फिर दिखाया अपना दबदबा। ध्यान से इस वीडियो देखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। विधानसभा चुनाव में आर के बावजूद हरियाणा कांग्रेस में अब विधायक दल का नेता बनने को लेकर घमासान मचा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शुक्रवार को चंडीगढ़ में होने वाली विधायक दल की बैठक से पहले बुधवार को दिल्ली स्थित आवास पर विधायकों की आपात बैठक बुलाई। बैठक में 31 में से हुड्डा समेत 31 विधायक पहुंचे। वही कुमारी शैलजा और सुरजेवाड़ा गुट के 6 विधायकों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। बताया जा रहा है कि विधायक दल का नेता चुनने से पहले हुड्डा ने एक तरह से कांग्रेस हाईकमान के सामने सख्ती प्रदर्शन किया है। वैसे में ये तय माना जा रहा है कि या तो दोबारा हुड्डा को विधायक दल का नेता चुना जाएगा, या फिर उनके किसी समर्थक को यह पद दिया जाएगा। यह फैसला केंद्रीय पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में शुक्रवार को होगा। विधानसभा चुनाव में हुड्डा के बेहतर समर्थकों को टिकट दिए गए थे, इनमें से 31 जीत कर आए हैं। बैठक में नेता प्रतिपक्ष को लेकर चर्चा की गई, साथ ही सरकार को घेरने के लिए गंभीर रणनीति बनाने पर भी चर्चा की गई। हुड्डा ने इन विधायकों को अपने पक्ष में ही रहने के लिए तैयार करना चाहते हैं, ताकि जब बैठक में नेता प्रतिपक्ष का चुनाव हो तो विधायक या तो हुड्डा को चुने या फिर उनके गुट के किसी दूसरे विधायक के पक्ष में वोट करे। सूत्रों का दावा है कि आर के बाद उठ रहे सवालों के बीच हुड्डा ने अपनी ताकत का एहसास कराया है कि हरियाणा कांग्रेस में उनकी पकड़ अब भी मजबूत है। आपको बता दें कि कांग्रेस हाईकमान ने हाल ही में इस बात के संकेत दिए थे कि प्रदेश अध्यक्ष उदय भान को हटाया जा सकता है, उनकी जगह कुमारी शैलजा को फिर से जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। वही नेता प्रतिपक्ष पद को लेकर मंथन जारी है। हुड्डा गुट की मांग है कि गीता बुक्कल को प्रदेश अध्यक्ष और नेता विपक्ष अशोक अरोड़ा को घोषित किया जाए। वहीं शैलजा गुट प्रदेश अध्यक्ष के लिए कुमारी शैलजा और नेता विपक्ष के लिए चंद्रमोहन का नाम आगे रख रही है। वहीं भूपेंद्र हुड्डा ने बताया कि यह विधायकों के साथ जो अनौपचारिक मुलाकात थी, सभी को विधायक दल की बैठक के लिए न्योता दिया गया। विधायक दल के नेता का फैसला उसी दिन पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में होगा। इस बैठक में पार्टी के भविष्य की रणनीति को लेकर मंथन किया जाएगा। प्रदेश में कांग्रेस जन मजबूती के साथ लड़ाई लड़ेंगे, और उसके साथ साथ आपको बता दें कि कौन कौन से विधायक किसके साथ है, ये भी आपको डिटेल बता देते हैं। हुड्डा गुट में जो मीटिंग हुई थी शामिल हुए थे। खास बात है कि एक शैलजा समर्थक विधायक भी इस मीटिंग में पहुंचा था। अंबाड़ा सिटी से निर्मल सिंह पहुंचे थे। मुलाना जो आरक्षित सीट है उससे में श्रीमती पूजा चौधरी पहुंची थी। शाहबाद से श्री राम कनकाला पहुंचे थे। थानेसर से श्री अशोक अरोड़ा पहुंचे थे। अशोक अरोड़ा को जो है नेता विपक्ष हुड्डा बनाना चाहते हैं। पेवा से मनदीप सिंह चड्डा पहुंचे थे। गुल्ला से श्री देवेंद्र अंश पहुंचे थे। कलायत से श्री विकास सहारण पहुंचे थे। बड़ौदा से श्री इंदुराज सिंह नरवाल पहुंचे थे। जुलाना से श्रीमती विनीस फोगाट पहुंचे थे। जी हाँ, फतेहाबाद से श्री बलवान सिंह दौलतपुरिया। फतेहाबाद से जो बलवान सिंह दौलतपुरिया है वो शैलजा गुट के अंतर्गत आते हैं, लेकिन इस मीटिंग में हुड्डा के मीटिंग में श्री बलवान सिंह दौलतपुरिया पहुंचे थे, जो चर्चा का विषय है कि शैलजा गुट उन्होंने छोड़कर हुड्डा गुट में अब शामिल हो गए हैं। और ये देखिएगा, रतिया से जरनैल सिंह पहुंचे थे। कालावाड़ी से श्री शीशपाल कहरवाड़ा पहुंचे थे। सिरसा से श्री गोकुल शेतिया पहुंचे थे। एरनाबाद से श्री भारत सिंह बैणीवाल पहुंचे थे। आदमपुर से श्री चंद्र प्रकाश पहुंचे थे। उगलाना से श्री नरेश सेलवाल पहुंचे थे। नानोन से श्री जयवीर सिंह पहुंचे थे, जो कि जस्सी पेटवाड़ के नाम से फेमस है। लोहारू से श्री राजवीर सिंह फरटिया पहुंचे थे। मैम से श्री बलराम दांगी पहुंचे थे। जी हाँ, गढ़ी सांपड़ा के लोई से श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे। रोहतक से श्री भारत भूषण बत्रा। कलानौर से शकुंतला खटक। बादली से श्री कुलदीप वत्स। झज्जर से श्रीमती गीता बुक्कल जो विधायक हैं। बेरी से डॉक्टर रघुवीर काद्यान पहुंचे थे, और उसके साथ साथ नांगड़ चौधरी से मंजू चौधरी पहुंची थी। जी हाँ, नू से आफ्ताब अहमद पहुंचे। फिरोजपुर जिरका से श्री मामर खान पहुंचे। उनाना से मोहम्मद इलियास पहुंचे। अथीन से मोहम्मद इजराइल पहुंचे। पृथला से श्री रघुवीर सिंह तेवतिया पहुंचे। ये 31 विधायक जो हुड्डा की इस मीटिंग में पहुंचे थे, बलवान सिंह दौलतपुरिया जो शैलजा गुट के अंतर्गत आते हैं, वे अब हुड्डा खेमे में शामिल होते हुए नजर आए हैं। और उसके साथ साथ जिन
छह विधायकों ने इस मीटिंग से दूरी बनाई है। जो शैलजा समर्थक हैं उनकी डिटेल भी आपको बता देते हैं। शैलजा समर्थक विधायक है उनकी बात करते हैं जो इस मीटिंग में नहीं पहुंचे, जिनमें शैली चौधरी, रेणु बाला, आदित्य सुरजेवाला जो कि रणदीप सुरजेवाला के बेटे हैं, चंद्रमोहन बिश्नोई जो कि पंचकुला से विधायक हैं, अकरम खान, और टुवाणा से परमवीर सिंह भी नहीं पहुंचे हैं। टुवाणा से परमवीर सिंह का न पहुंचना भी चर्चा का विषय है, क्योंकि ये भी हुड्डा गुट के साथ आते हैं लेकिन इस मीटिंग में वे नहीं पहुंचे हैं। तो आप देख सकते हैं कि इन विधायकों ने जो है हुड्डा की मीटिंग से दूरी बनाई है, और नेता प्रतिपक्ष से पहले कहीं ना कहीं शैलजा गुट और हुड्डा गुट आमने सामने है। हालांकि हुड्डा ने अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया है, और आपको ये भी बता दें कि जो अशोक गहलोत हैं वो पर्यवेक्षक नियुक्त हो चुके हैं, और अशोक गहलोत की मौजूदगी में ही विधायक दल का नेता चुना जाएगा। कांग्रेस विधायक दल के नेता के चयन के लिए बुलाई गई बैठक में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पार्टी के वरिष्ठ नेता अजय माकन और पंजाब विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा पर्यवेक्षक के रूप में मौजूद रहेंगे। हुड्डा खेमे की ओर से पूर्व मंत्री गीता बुक्कल, अफ्ताब अहमद, अशोक अरोड़ा का नाम बार बार उछाला जा रहा है, जबकि शैलजा खेमे की तरफ से पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन बिश्नोई का नाम विधायक दल के नेता के तौर पर आगे किया जा रहा है। तो ये इस वक्त जो प्रक्रिया है वो चल रही है। लेकिन आपका इस विषय में क्या कहना है? क्या हुड्डा के इस शक्ति प्रदर्शन से क्या हुड्डा फिर से नेता प्रतिपक्ष का पद खुद या अपने खासम खास को दे पाएंगे? कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।